दोस्तों बचपन में खेले जाने वाले खेल की सूची में लट्टू का नाम पहले आता है, जो हम लोग अपने बचपन में बड़े शौक से नचाते थे, जिसे खेलकर बेहद मजा आता था। लेकिन दोस्तों उस समय हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे भी थे जो लाख कोशिश करने पर भी लट्टू नचाने में फेल हो जाते थे। तो चलिए दोस्तों पुरानी यादों को ताजा करने के लिए लट्टू को फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं और उसके साथ साथ लकड़ियों से बनने वाली बहुत सी चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इन वर्करों की मेहनत के लिए आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट हमारे इंडियन भाई लोग बना रहे हैं। तो नंबर पहले पर आता है स्पाइनिंग टॉप मेकिंग प्रोसेस। तो बचपन में जितना आपको लट्टू नचाने में मजा आता था, उससे कई गुना मजा आज आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख कर आने वाला है, क्योंकि बचपन में हम इस खेल को खेलने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि इसके बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों आज हम इस लट्टू का जंगलों से लेकर फैक्ट्री तक का सफर देखेंगे। तो इसका सफर चालू होता है जंगलों से लकड़ियों को काटने से, जहाँ ये ट्री कटर मशीन अपने आप से पेड़ों को पकड़ कर नीचे से काटता है, फिर इसके टहनियों को छील कर एक फिक्स लेंथ में काटते हैं, जहाँ एक वर्कर इन्हें छोटे छोटे पीस में काट कर फैक्ट्री तक पहुँचाता है, जहाँ हमारे टैलेंटेड कारीगर इन लकड़ियों को एक मशीन के बीच में फिट करके अपनी कारीगरी को चालू करते हैं। फिर ये अपने ब्लेड से सबसे पहले लकड़ी के ऊपरी हिस्से को छील कर बीच में निशान बनाकर दो लट्टू को अलग करते हैं, फिर नीचे वाले हिस्से को छील कर पतला करते हैं और इसे ऊपर से नीचे तक छील कर लट्टू का परफेक्ट शेप देते हैं। फिर यही सेम प्रोसेस दूसरे वाले लट्टू के साथ करके उसके टॉप पार्ट को छीलकर एक्सल को बनाते हैं। फिर लट्टू के बॉटम वाले नुकीले पार्ट का शेप देकर लट्टू को तैयार कर लेते हैं। अब इसे दो हिस्से में तोड़कर पेंटिंग प्रोसेस के लिए भेजते हैं, जहां वर्कर सबसे पहले रेड वैक्स को घूमती हुई लट्टू पर लगाकर ग्रीन वैक्स को लगाते हैं। दोस्तों ये एक तरह का मोम कलर होता है जो लट्टू को एक शानदार लुक देता है। फिर इस पर येलो वैक्स को लगाकर इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। दोस्तों लट्टू पर कलर ओवर हो जाने के कारण इसे एक खास तरह के पत्ते से मिक्स करते हैं। फिर इस लट्टू को और लुकेबल बनाने के लिए इस पर ब्लेड की मदद से बहुत सारे लाइनिंग बनाई जाती है। अब बॉटम वाले पार्ट को छील कर नुकीले वाले पार्ट को तैयार कर लेते हैं, जिसकी मदद से लट्टू अपने एक्सिस पर नाचता है और इस तरह से आपका लट्टू पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और आपको आपका बचपन याद दिलाने के लिए आपके लोकल मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों क्या ये लट्टू आपके लोकल मार्केट में मिलता है, कमेंट कर जरूर बताएं। तो नंबर दूसरे पर आता है ढोलक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बचपन में जब हम लोग छोटे थे, तब हमारे घरों में जब भी भजन कीर्तन होता था, तब हम लोग एक ही चीज देखते थे कि आखिर ढोलक वादक इतनी तेजी से ढोलक को कैसे बजा रहा है और ढोलक से इतना मीठा आवाज कैसे निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों पुराने डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम ढोलक को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसमें से आवाज कैसे निकलता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी को एक फिक्स लेंथ में नाप कर कटिंग करते हैं, फिर लकड़ी के साइड वाले हिस्से पर कंपास से सर्कल बनाकर लकड़ी के ऊपर वाले हिस्से को छीलते हैं। फिर कुछ इस प्रकार हो जाने के बाद इसमें कटर मशीन से एक होल बनाते हैं, जिस रास्ते ब्लेड को डालकर ढोलक को गोलाकार में कटिंग करके खोखला बनाते हैं। फिर इसमें एक रोटेटिंग मैकेनिज्म को डालकर इंजन से कनेक्ट करते हैं, जिससे ये रोटेट होकर घूमने लगता है। फिर वर्कर अपने ब्लेड से इसके ऊपरी हिस्से को छीलकर स्मूथ बनाते हैं। अब ब्लेड से इस पर डिजाइन बनाकर ब्राउन कलर पेंटिंग करते हैं। फिर इसमें दोनों हेड को लगाकर रस्सी से बांधते हैं। दोस्तों इसी हेड को बजाने से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो ढोलक के बॉडी में जाने से एक शानदार आवाज सुनाई देता है। फिर इसमें लेदर स्ट्रैप को लगाते हैं, जिसके मदद से ढोलक को ढीला या फिर टाइट किया जाता है। फिर इसे कुछ समय तक बजाकर टेस्टिंग करते हैं, जिससे ढोलक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों क्या आपने भी कभी ढोलक बजाया, कमेंट कर जरूर बताएं। अब नंबर तीसरे पर आता है वुडन बॉल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों जब हम लकड़ी के फैक्ट्री में आ ही चुके हैं, तो चलिए घर में इस्तेमाल होने वाले वुडन बॉल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों को काट कर छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं, फिर कटर मशीन से इसकी आउटर कवर को हटाकर इसे रोटेटिंग मशीन में लगाते हैं। जहाँ एक वर्कर अपने ब्लेड से इसे छीलकर बॉल का आकार देता है, फिर इसे मशीन से निकालकर डायरेक्शन चेंज करके लगाते हैं। अब इसे ब्लेड से छीलकर खोखला बनाया जाता है और इसके ऊपर फिनिशिंग देकर क्लीन करते हैं। अब इसे और लुकेबल बनाने के लिए वर्कर इस पर कलर करते हैं।
फिर इसे डिटर्जेंट वाटर से क्लीन करके गर्म पानी से धुलते हैं, जिससे बाउल पर लगे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर इस पर एक बार और कलर करके बाउल को सुखाने के लिए रख देते हैं और कुछ समय बाद ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब नंबर चौथे पर आता है लीफ प्लेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने स्टील का प्लेट बहुत देखा होगा और उसमें खाना भी खाया होगा, लेकिन दोस्तों आज हम जिस फैक्ट्री में आपको लेकर चलेंगे वहाँ पर पत्तों से प्लेट को बनाया जाएगा, जो बेहद अनोखा होने वाला है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पत्तों को 24 आवर तक वाटर टैंक में रख कर सॉफ्ट बनाया जाता है। फिर इन पत्तों को अच्छी तरह से क्लीन करके बाहर रख कर सुखाया जाता है। अब इन पत्तों को प्लेट मेकिंग मशीन पर रख कर दबाव देते हैं, जिससे ये पत्ते प्लेट का शेप ले लेते हैं। फिर इन्हें मशीन से निकाल कर प्लेट को इकट्ठा किया जाता है, जिस तरह ये प्लेट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इन चारों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबसे अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।